साथियों, वंदे मातरम। आपके समक्ष फिर से हम आ गए हैं। आज हम आपको दिखाते हैं हमारे काकू किसान का बेर का बगान और कूल बगान और कुछ और चीज़ें। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर एक छत है, छत के ऊपर हम आ गए हैं। ये छत भी काकू का ही है। ये इधर रोड के उस तरफ हमारा तालाब है जिसमें मछली और झींगा पालन होता है, और भी उधर खेती भी होती है, आप उधर देख सकते हैं। और ये पीछे का हिस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं, जो हमारे काकू किसान का बेर का बगान है। ड्रीम प्रोजेक्ट है, इनकी बात सुनिए। क्या बोल रहे थे काकू? काकू बोल रहे थे कि ये 7 साल से ये काम कर रहा है। अच्छा, इस बार तुम्हारे साथ पूछो ना काका। ना ये पूछो, ये बसर ले 8 वर्ष, ये बसर ये वर्ष लेके 8 वर्ष उनको हो गया ये काम, फूल बगान करते हुए, मतलब ये पैर का बगान करते हुए। अच्छा, काकू का ये बेर का बगान काफी प्रसिद्ध भी है यहाँ पर पूरे गांव में। ये गांव का नाम है कामधुनी। इस पूरे गांव में इनका शायद ये अकेला ही कूल बगान है, और हर व्यक्ति जानता है। कोई भी यहाँ आकर पूछ सकता है कि कूल बगान वाले किसान का घर कौन सा है, तो वो बता देता है। वो देखिए, दूर में सामने आपको पेड़ का एक झुंड दिख रहा है, और वहाँ पर एक केले का गाछ दिख रहा है। वो उसके ठीक बगल वाला जो प्लॉट है, उसमें हम अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जिसकी वीडियोस आप देख रहे थे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ खेती होती है। दूर दूर तक खेत आपको दिखेगा। और जब ये बेर का मौसम आता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बेर की फसल होती है यहाँ पर। मैं अपनी आँखों से यहाँ देख पा रहा हूँ, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं। बेर आ चुका है, अभी छोटा है, जल्दी ही बेर भी आ जाएगा और आपके समक्ष वो भी हम प्रस्तुत करेंगे। और काकू कहते हैं कि इस बेर में भी बहुत अधिक मात्रा में ये रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करते नहीं है। काकू कुछ बता रहे हैं बेर के बारे में। क्या बता रहे हैं बेर के बारे में? ये इनका पहली बार जो आया था, उनके भेगना लेके आए थे, जो ये भेगना है ना, वो बोले थे कि काफी प्रॉफिट होगा, तो फिर लगाए, फिर देखे तो अच्छा प्रॉफिट हुआ। बेर का बगान जो दी भगना से कथा बोलो ताली फोन दे दी भेगना तो आबार कथा होवे सेकने से आशवे ताले कथा हो जावे हां आशवे एक तो आशवे देख तो तू भी फेमस हो जावे ताले वो से आश किसी जावे फले फले कथा है। वो देखिए, आपको गोभी का भी प्लॉट दिखा रहे हैं जहाँ से हम अभी गोभी लेकर आते हैं। ये गोभी ऑर्गेनिक नहीं है। अभी हमने भी अपने खेत में गोभी लगाया है, पर वो गोभी अभी तैयार नहीं हुआ है, उसके पौधे बहुत ही छोटे हैं। पर ये गोभी तैयार हो चुकी है, यहीं से गोभी हम लेकर आते हैं। तो वो बेर के बारे में बता रहे थे कि इसमें भी बहुत अधिक कुछ कीटनाशक डालते नहीं है, ये भी लगभग सेमी ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं। ये बेर भी जब आएगा तो भरपूर और प्रचुर मात्रा में आएगा। अच्छा, इसमें खाद नहीं डालते और कीटनाशक? कीटनाशक तो देंगे, शुद्ध एक बार दी थी, दो बार दी थी, 1200 टका। 1200 टका खर्च हुआ दो बार में, तो बहुत खर्च होता है इसमें तो। अच्छा, तो आप इसमें अल्प मात्रा में कीटनाशक डालते हैं या प्रचुर मात्रा में? अल्प डालते हैं, अधिक आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन? अच्छा, और तेल दाम, तेलेर दाम कम आछे। अच्छा, बेगुनिर मतो तेलेर दाम नेई। हाँ, सबथेके हाई दाम होच्छे के बेगुनि। बता रहे हैं काकू की बैगन के फसल में बहुत अधिक खर्च है और कीटनाशक भी बहुत महंगा वाला डालना पड़ता है उसमें। काकू ये भी कह रहे हैं कि इस बार तो इन्होंने कोई खाद दिया ही नहीं इसमें, रासायनिक खाद इन्होंने गोबर डाला है। काकू काफ़ी प्रेरित हो चुके हैं ये हम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं उससे, और ये भी नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं, बिल्कुल भी खाद नहीं डाल रहे, और बिना खाद डाले, रासायनिक खाद डाले ही खेती करने का प्रयास कर रहे हैं। तो काकू, आप अभी जो हमारा
जीवामृत डालते हैं खेत में, तो आप संतुष्ट हैं, आपको ठीक लग रहा है? अच्छा, विटामिन और तेल का स्प्रे करिएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कूल, और अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो कूल बड़ा नहीं होगा। अच्छा, पोका लग जाएगा। ओके, तो क्या आप तेल का मात्रा कितना रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा कि ज़्यादा रहता है, अल्प रहेगा? ओके ओके, तो ज़्यादा इसमें रासायनिक कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेर में, तो ये काफ़ी अच्छा बेर होगा। और ये काफ़ी फेमस भी है यहाँ पर, पिछले साल तो बहुत ही बढ़िया बेर का फसल हुआ था और काफ़ी फेमस हो गए थे। काकू कह रहे थे कि उनका टीवी में भी आया था ये कूल बगान, इनका ये कूल बगान हम आपको आज दिखा रहे हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, और हमारे नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन आए उसको दबा दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बहुत सारा लाइक्स भी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम शायद आपको दिखाएंगे हम अपना जीवामृत खेत में कैसे डालते हैं, उसके बारे में हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे।